मुबारक साहब, आप प्रोटम स्पीकर हैं और हिस्टोरिक सेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में 4 नवंबर को होने जा रहा है। तकरीबन 6 साल के बाद जो है यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वापस आई है और वो गवर्नमेंट आपकी है, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या बताना चाहेंगे आप? जो आफ्टर ओथ सेरेमनी जो हो गया, तो अब 4 तारीख से असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, तो तैयारी तो प्रोटेम स्पीकर की करनी है। और आज भी मीटिंग थी हमारे यहाँ, जिसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, हेड्स को बुलाया था, जो इसके कंसर्न हैं सिक्योरिटी के, और हमारे जो दूसरे इदारे हैं, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट है, और हमारे जो जर्नलिस्ट लोग हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट आज आए थे मेरे पास, तो उनको भी हमने कहा कि इसमें आपको भी हम इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी लिमिटेशन है यहाँ पे कि ज़्यादा जगह भी नहीं है, उनकी तादाद काफ़ी है, और हमने उनको भी कहा कि आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये सेशन तो बड़ा, अभी हमने जो उपरी जो जो उपरी जो कैलेंडर हमने किया है कि इसमें ये तो पहले दिन तो रहे चले गए स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद दूसरे दिन अबचेरी रेफरेंस होगी, जो हमारे साथी गुजर गए इन वर्षों में, 6 सालों में या उससे पहले भी, तो उनको खराज इकदत पेश किया जाएगा, और उसके बाद गवर्नर का खिताब होगा उस पर, गवर्नर गवर्नर साहब का, उसके बाद उस पर डिबेट होगा, डिबेट के बाद फिर उस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का थैंक्स का वो होगा, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस पर थैंक्स होगा। और ये है कि एक नए से शुरू करना पड़ा, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता ये तो बड़े दिनों के बाद ये बैठी हुई थी असेंबली, इसको नए सिरे से शुरू करना पड़ा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें खराब हुई थी उनको ठीक करना पड़ा, और नए सिरे से हमें आदत डालनी पड़ेगी जमहूरियत की, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैक पे आ जाएगी, और अफसरों को भी आदत पड़ेगी, और जो हमारे मेंबर हैं उनको भी मौका मिलेगा कि जिन लोगों ने वोट दिए उनको बम्पिंग से हालात तरीके से लोगों ने जो प्यार से वोट दिया है, तो उसका है कि लोगों के मसले भी यहाँ उठेंगे इंशाल्लाह आगे आगे जो सेशन चलेगा, ताकि उनकी सुनवाई हो, सुनवाई के बाद उनका हल निकले, ताकि लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं इस असेंबली से, क्योंकि आज जो परसेंटेज जो बढ़ गया जो कश्मीर में, इसको अप्रिशिएट किया गया हर जगह, और इसमें जो जो लोगों ने ताउन दिया, लोगों ने जमहूरियत को वोट दिया, तो उसमें अब इस जमहूरी निज़ाम को आगे मजबूत बनाना है, ये सब का काम है, ये सिर्फ MLAs का काम नहीं है, ये सारे इसमें एग्जीक्यूटिव का काम है, लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशरी का काम है, और इसका प्रेस का काम है, जो 4th pillar ऑफ द देश डेमोक्रेसी है, इनको भी काम करना है, ताकि इस जो इस मुश्किलात में हमारी रियासत फंसी है, उस मुश्किलात से हम निकल जाएं और खुशहाली आए, यहाँ रियासत में अमन आ जाए, बेरोज़गारी काफ़ी है, उसका हल निकालना है, बहुत सारे मुश्किलात हैं, लोगों को पानी नहीं है, किसी जगह हॉस्पिटल नहीं, किसी जगह सड़क नहीं, किसी जगह बिजली नहीं है, किसी जगह बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये है कि आवाज़ नुमाइंदों ने घूमना शुरू किया, इसे थोड़ा ये होगा लोगों में इसमें मदद मिलेगी अपने मसले हल करने में। सर, सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि जो स्टेट हुड को लेकर रेजोल्यूशन जो है वो पहले ही सेशन में आएगा, तो क्या वो रेजोल्यूशन सबमिट किया जा चुका है? तो इसमें जो अबरी कैलेंडर मैंने दिया कि अभी तो हमने जो गवर्नर एड्रेस है उसका किया है, तो अभी ये तो अभी कभी आप सब कुछ चाहते हैं एक ही दिन में हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाएगा, तो गवर्नमेंट डिस जब होगा तो उसमें आ जाएगा, अभी मैं उस बारे में तो नहीं कह सकूँगा कुछ, क्योंकि अभी जो हमने अबूरी कैलेंडर दिया कि ये तो अबूरी रेफरेंस गवर्नर का खिताब उसमें डिस्कशन होगा, लेकिन ये सेशन तो बहुत कम चलेगा, क्योंकि सेशन तो आगे चलेगा उधर जम्मू में, तो उसमें क्वेश्चन आवर होगा, रेजोल्यूशन होंगे, उसमें काली कंडीशन होगी, 0 आवर होगा, शॉर्ट डिस्कशन होगा, ग्रांट्स हो गए, अभी ये तो हम शुरू कर रहे हैं असेंबली, और क्या गवर्नमेंट का बिजनेस क्या होगा वो अकाउंटली आपको पता होगा। सर, आप सीनियर लीडर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, आप पहले भी स्पीकर रहे हैं और काफी इम्पोर्टेंट ओहदों पर फाइज रहे हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट और जो LG ऑफिस के बीच में जो बिजनेस जो रूल्स होने चाहिए अभी तक वो सेटल नहीं हो पाए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या ये वाकई जो पब्लिक को जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दूर रखने का प्रोसेस है? अभी तो एक ही दिन में कहेंगे, सिस्टम रिवर्स करने में लगता है टाइम, कोई चिंता की बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम हो जाएगा, एक सिस्टम में अगर क्या यहाँ
बिजली का सिस्टम भी एक सिस्टम पे दूसरे सिस्टम में डालना पड़ेगा, 2G का 4G पे, 4G का 5G पे डालना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम जरूरत है। ऐसा ऐसा ये हो जाएगा, कोई ये जरूरत नहीं है।